गुलिस्तान न्यूज, मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल ने एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। दिशा रवि की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई विपक्ष के नेताओं एक्टिविस्ट संगठनों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को गलत बताया है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि युवा महिला की गिरफ्तारी हैरान करने वाली है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पर्यावरण की चिंता करने वाली कार्यकर्ता पर अजीब आरोप लगाना शर्मनाक है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने तत्काल रिहा करने की मांग की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिशा रवि के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों को पौधा दिया, साथ ही दिशा को रिहा करने की अपील की गई। टूलकिट मामले में निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिजनौर के चांदपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन का आज 42वां दिन है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान किया कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी। दिल्ली वालों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में 14.2 किलो वाली एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने के बाद अब दिल्ली के लोगों को 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के लिए 669 रुपए अदा करने होंगे। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता से लूट, सिर्फ दो का विकास। चमोली त्रासदी में मरने वालों की संख्या 54 हो गई है, जबकि अभी भी कई लोग लापता हैं। तपोवन टनल में अभी भी कई लोग फंसे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह के पास नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी को स्थापित करने की योजना है। उनके पास वहां भी बीजेपी की सरकार बनाने का प्लान है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर 3 बजे तबन्ना में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया और कहा कि जनता ने डबल इंजन सरकार को वोट देने का मन बना लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के जय बांग्ला के नारे पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के बाद माएं अपने बच्चों का चेहरा देखना चाहती हैं तो वे अपने बच्चों को नियंत्रण में रखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नई पार्टी की एंट्री हो गई है। हिंदू सहमति नाम के एक संगठन ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ममता सरकार में मंत्री तापस राय ने कहा बीजेपी के खिलाफ चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट को भी टीएमसी के साथ आना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 फरवरी को दिल्ली के एनडीएफसी कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राज्यों की तरफ से किए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र के जलगांव में एक वाहन के पलट जाने से 15 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रक हादसे पर शोक व्यक्त किया और घायलों के साथ जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
आज से पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्ट टैग अनिवार्य है। जिस गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगा। हालांकि टू व्हीलर वाहनों को फास्ट टैग से छूट दी गई है। फास्ट टैग साल 2011 में लागू किया गया था। साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग को जरूरी कर दिया गया था। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,649 नए मामले सामने आए और 90 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,09,16,589 पहुंच गई है। इनमें से 1,55,732 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कुल 82,85,295 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। एमपी में 16 फरवरी को 1,00,000 को अपना घर मिलेगा। यह सौगात केंद्र गृह मंत्री अमित शाह लोगों को देंगे। रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। ये कहानियां और कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बेटी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूरोप और अफ्रीका के राजनयिकों का एक समूह जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और विकास एवं सुरक्षा स्थिति का जायजा लेगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद 3 अपराधी घायल हो गए। अपराधियों के पास 3 तमंचे, कारतूस, 3 कार बरामद हुई है। लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी और शूटर गिरधारी को मार गिराया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित उत्तरी भारत क्षेत्र में घना कोहरा रहेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के लाखेरी में नगर पालिका में कांग्रेस वोट से नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष आशा शर्मा ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया। राजस्थान के तारानगर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गजानंद जंगड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जिले से 2.5 करोड़ रुपए की समर्पण राशि आमजन ने प्रदान की है। राजस्थान के हिंडौन सिटी में कोरोना वैक्सीन जागरूकता और ब्लड बैंक के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। राजस्थान के चारू में विधायक कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में हजारों किसानों ने ऊंटों के साथ रैली निकालकर सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के बागोड़ा में जन देरासर ध्वजा महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 70 भेदी पूजन और 18 अभिषेक पूजन विधि विधान संपन्न हुआ। राजस्थान के दौसा में शिलान्यास प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ समाज सेवी ओम प्रकाश घूमना ने किया। उन्नाव में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन कई शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल हुए और सभी अधिकारियों को समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। जालंधर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम घोटाले के विरुद्ध आवाज उठाने वाले विद्यार्थी नेता नवदीप दकोहा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घायल नवदीप को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीनमाल में बीजेपी के प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें 2 दिवसीय और प्रवासियों शिविर होगा। इसमें बीजेपी द्वारा मुख्यतः 9 विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भीनमाल में आगामी 15, 16 और 17 फरवरी को जालोर महोत्सव सरकार द्वारा घोषित COVID-19 गाइडलाइन पालन करते हुए मनाया जाएगा। कर्नाटक के अथणी में राम मंदिर निर्माण के लिए परिवहन मंत्री लक्ष्मण सवदी ने 10,00,000 रुपए का चेक मंदिर निर्माण ट्रस्ट को सौंपा है। कर्नाटक के भालकी में पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय में आज नए इंस्पेक्टर की एंट्री पर शहरवासियों ने फूलों से स्वागत किया।
जालंधर में पुलिस ने दो लोगों को ड्रैगन डोर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने 70 से 80 ड्रैगन डोर बरामद की है। भीनमाल में खेत में खेल रहे बच्चों पर 11 केवी विद्युत का तार टूटकर गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और दो बच्चे घायल हो गए हैं। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महंती शुक्ला ने वैलेंटाइन डे पर कॉलेज के छात्राओं और ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों के साथ एक पल बिताने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बरवाला में जाकर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया और वहां की जनता को भी संबोधित किया। जोधपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाए जा रहे जागरूक अभियान के तहत जोधपुर कमिश्नर के वाहनों को जागरूक किया। कर्नाटक के बीजपुर में बस स्टैंड पर एक भिखारी के हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारे को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के बूंदी में वार्षिक उत्सव में महिला पुरुष बच्चों ने एकत्रित होकर कई प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। जमशेदपुर में शहीद स्मारक में विभिन्न पार्टियों ने पुलवामा में शहीद सैनिकों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जमशेदपुर में बीजेपी और भजुआमे के बीच चल रहे विवाद के बीच बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने एसएसपी कार्यालय में भजुआमे के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की है। झारखंड के जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कृषि बिल के विरोध में 12 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकाली गई। जमशेदपुर में दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा हत्या मामले में हिंदू युवा वाहिनी ने गोल चक्कर पर प्रदर्शन किया। अमृतसर में होने जा रहे कल से नगर काउंसिल और नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से वोटिंग मशीन रवाना की गई। अमृतसर में कुल 68 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी के बागपत में राज्य मंत्री धर्म सिंह ने कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जनेऊ पहनने का आग्रह किया है। कर्नाटक के धारवाड़ में चोरों ने 4 घरों में घुसकर लाखों के जेवरात चुरा लिए। पुलिस शहर में गश्त लगाने के साथ चोरों की रेकी करने में जुट गई है। शेयर बाजार में अच्छे घरेलू संकेत के चलते रिकॉर्ड बढ़त है। सेंसेक्स 52,000 के स्तर पार कर गया है। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स ने भी 15,300 के स्तर को पार किया है। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। पेट्रोल 88.9 और डीजल 79.3 पर बढ़कर बिक रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस ने निफ्टी पर टारगेट बढ़ाया जो अगले 12 महीने में 16,500 के पार पहुंच सकता है। एसएनसी ग्लोबल ने सौरभ जैन के निवेशकों को कैन फिन होम के शेयर को 607 रुपए के लक्ष्य पर खरीदने की सलाह दी है। यह अभी भी 516 रुपए पर कारोबार कर रहा है। नए साल में दूसरी बार क्लासिक 350 रेंज की कीमत बढ़ी है। बढ़ोतरी के बाद क्लासिक 350 की शुरुआती कीमत 1,67,235 रुपए हो गई है। केंद्र सरकार 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने के लिए जनवरी मार्च 2021 तिमाही में उन पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। टाटा मोटर्स ने मार्क लिस्ट लो सेला की नियुक्ति कंपनी के सीईओ और एमडी पद पर करने की घोषणा की है। बता दें कि मार्क एशिया में फूसो ट्रक एंड बस कॉरपोरेशन के प्रमुख रह चुके हैं।
नौकरी की गारंटी मांगने पर जर्मन एयरलाइंस ने 103 इंडियन फ्लाइट असिस्टेंट्स निकाल दिए। लुफ्साना एयरलाइंस ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से इसकी आय काफी घट गई है। सरकार की ओर से प्याज के निर्यात पर रोक हटाने के बाद इसकी सप्लाई और घट गई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में प्याज 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। एक साल के लिए एफडी करने पर सबसे ज्यादा ब्याज यूनियन बैंक दे रहा है। इसके अलावा एसबीआई 4.9%, कैनरा बैंक 5.2%, पंजाब नेशनल बैंक 5.2% और बैंक ऑफ इंडिया 5.25% ब्याज दे रहे हैं। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2.89 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और वहीं 6,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 63,468 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से 1,074 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कुछ समय पहले ही इसे मील का पत्थर करार दिया। कोरोना महामारी के बीच इजराइल में सरकार ने कुछ रियायत देना शुरू किया। यहां अब रोजाना 2,000 विदेशी एयर पैसेंजर्स को आने की मंजूरी दी गई है। सरकारी कर्मचारियों पर टीयर गैस के इस्तेमाल पर पाक मंत्री शेख रशीद अहमद बोले, काफी समय से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए टेस्ट किया। म्यांमार में चीन की एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वहां पर शर्म करो चीन और तख्ता पलट बंद करो जैसे नारे लगाए गए। जापान में 24 घंटों में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दरअसल फुकुशिमा में लगातार दूसरे दिन धरती कांपी, जहां भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए इसके चलते एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शोएब ने इमरान को नकारा और नालायक कहा। दुनिया की सबसे खूंखार जेलों में शुमार क्यूबा की गावंतोनामो पे जेल एक बार फिर बंद करने की कवायद हो रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे बंद करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और मेगन माइकल दूसरी बार माता पिता बनेंगे। मेगन ने इससे पहले मई 2019 में बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम आर्ची है। एक्ट्रेस और पूर्व मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल दिया मिर्जा आज बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी करेंगी। इस शादी की रस्में मुंबई में होंगी। सलमान खान ने बिग बॉस 14 के वीकेंड का वार एपिसोड में 3 फिल्मों की शूटिंग का प्लान साझा किया, जिसकी शूटिंग में सलमान बिग बॉस 14 खत्म होते ही जुटेंगे। मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म साइलेंस का प्रीमियर 26 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होगा। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, मर्डर मिस्ट्री के लिए तैयार रहें, जो आपको अंत तक अनुभव लगवाएगी। साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म कर्ण का फास्ट लुक सामने आया है, जिसकी रिलीज डेट 9 अप्रैल 2021 बताई गई है। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने यूपी में बन रही फिल्म सिटी को लेकर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिटी मुंबई फिल्म सिटी का ही एक्सटेंशन है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। इमरान खान का मानना है कि फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया में सबसे बेहतर है। इंग्लैंड की टीम चेन्नई टेस्ट में एक बेहद ही खास कारनामा करने में कामयाब हुई। दरअसल इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी में एक भी अतिरिक्त रन नहीं देने का नया रिकॉर्ड बना लिया। चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में अश्विन ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके। इसके साथ ही उन्होंने 2 बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। ढाका के शेरे बंगला स्टेडियम में खेले गए दूसरे और अंतिम टेस्ट में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 17 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीता है। तीसरे मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की है।
इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।